आज हरियाणा के अंदर यहां का जो नौजवान है उसको ठगने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। क्या नारा दिया था मोदी जी ने? मोदी जी ने कहा था, नौजवानों हमको वोट दे दो, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 10 साल में 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी आपको। नौकरी मिल गई क्या आपको? नौकरी मिली क्या? अरे नौकरी मिल गई आपको? नहीं मिली। किसान को कहा था फसल का दाम दोगुना करेंगे, फसल का दाम दोगुना हो गया? नहीं हुआ। महंगाई कम करने का वादा किया था, महंगाई कम हो गई देश में? नहीं हुआ। क्या काम है भाजपा के लोगों का? दिन रात आपसे झूठ बोलना है, झूठ बोलना है, झूठ बोलना है। इसलिए मैंने बीजेपी का नाम बदल के भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये भारतीय झूठा पार्टी है। झूठा पार्टी, झूठ बोलने वालों की पार्टी, झूठ बोलने का काम करते हैं दिन रात। हर बात पे आपसे झूठ बोलना है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 10 साल का राज है, 10 साल दिल्ली में मोदी जी हैं, 10 साल हरियाणा में बीजेपी का शासन है, और इन 10 साल में डबल इंजन की सरकार में हरियाणा के लिए क्या हुआ? 3000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए पूरे हरियाणा में, 3000 सरकारी स्कूल। एक तरफ भाजपा की सरकार है जो सरकारी स्कूलों की को बंद करती है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की सरकार है जो अच्छे सरकारी स्कूल बनाती है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बने हैं, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, हॉकी के ग्राउंड बने हैं। आज दिल्ली के जैसा सरकारी स्कूल पूरे देश में कहीं नहीं है। यह काम केजरीवाल ने करके दिखाया, ऐसे ही स्कूल हरियाणा में बनाने का काम करेंगे। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।